अब इस पूरे GIT में कोई भी डिज़ीज़ होगी तो उसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर कहेंगे, और उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स पढ़ेंगे कोई भी डिज़ीज़ हो वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, इन्होंने क्लासिफिकेशन किस तरह की हुई है, इसका पैटर्न समझो। इन्होंने GIT की सारी डिजीज़ जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसको जो है 6 में डिवाइड किया है, और फिर एक एक डिसऑर्डर की आगे फर्दर मेडिसिन के वाइज क्लासिफिकेशन की है कि हम क्या क्या इस डिसऑर्डर में देते हैं।